मंडला के अंजनिया पर्व सामान्य जग मंडल वन परिक्षेत्र में विश्व विख्यात अजगर दादर में स्कूली बच्चों के लिए वन विभाग ने अनुमति अनुभूति कैंप का आयोजन किया है, जिसके जरिए बच्चों को जंगली वन्य जीवों और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अंजनिया वन परिक्षेत्र अधिकारी लतिका तिवारी ने इसके बारे में बताते हुए कहा है की इस पखवाड़े में स्कूली बच्चों के लिए वन विभाग के द्वारा अलग अलग स्थानों पर इस तरह के अनुभूति कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी रखे रहना फोल्ड नहीं करना, रखे रहो। अनुभूति कार्यक्रम में यूजुअली हम हर वर्ष MPEDB और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के साथ में प्रति परिक्षेत्र दो शिविरों का आयोजन करते हैं। इनमें 8th से 12th तक के बच्चों का चयन किया जाता है। जो बच्चे पर्यावरण में रुचि रखते हैं ऐसे बच्चों को बुलाकर उन्हें जंगल का भ्रमण कराया जाता है। उन्हें पूरे एक दिन भर की ये गतिविधि होती है शिविर में। सुबह बुलाते हैं हम, रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसके बाद में स्वल्पाहार करा के नेचर ट्रिप पे लेके जाते हैं। नेचर ट्रिप में हम बर्ड वॉचिंग, आसपास के पेड़ पौधों की प्रजातियों से उनका परिचय, जो वन्य प्राणी उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनका मूवमेंट रहता है, या कुछ साइंस जिनसे हम उन्हें उन चीजों से उनकी कुछ व्यवहारिक विशेषताओं से अवगत करा सकते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। देन इसके बाद भोजन करा के बच्चों को जो हम सिखाते हैं उनके आधार पर और बायोडाइवर्सिटी बेस्ड क्विज हम कराते हैं बच्चों को, और उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाइएस्ट मार्क्स लेके आते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहन के स्वरूप उन्हें कुछ गिफ्ट देकर हम सम्मानित करते हैं। इसके अलावा बच्चों की कुछ क्विज या इंटरटेनमेंट गतिविधियां जिनके माध्यम से खेल खेल में हम बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे पाए ऐसे कार्यक्रम बीच में बच्चों को कराते हैं। अजगर दादर में आज कार्यक्रम कराया गया, इतनी उत्सुकता रही बच्चों की उत्सुकता, आई थिंक आपको ये बच्चों से ही जानना चाहिए। और सुबह से बच्चे ऐसे ठंड के मौसम में अगर 6:30 पर बच्चे आने के लिए रेडी थे, अपने स्कूल्स में पहुंच चुके थे, तो ये उनके उत्सुकता का ही परिचय है। और शुरू से ही बच्चे बहुत उत्साह में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रकृति से जुड़ने के लिए इतने उत्सुक थे। अजगर दादर ये जो जगह है ये हमारे बीट ककैया में परिषद जगमंडल के अंदर में एक बीट ककैया है, इसमें हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। इसमें कुछ क्षेत्र जहाँ पर नीचे से हॉलो जो चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें खोखले होने के कारण इनमें अंदर अजगरों का जो है प्राकृतिक आवास पाया जाता है। नॉर्मली ठंडों के दिन में जैसे कि सर्दियों का समय जो अभी चल रहा है दिसंबर जनवरी फरवरी, इन समय में अजगर जो है धूप सेकने के लिए ताप के लिए इन पत्थरों के ऊपर आकर कुछ समय रेस्ट करते हैं। क्योंकि आप समझते हैं ये चीज के अजगर जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो अपने मौसम के अनुसार अनुकूलन के लिए ये अजगर ऊपर आते हैं और इस समय काफी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं अजगरों की। मैंने पर्सनली अपने कार्यकाल में एक बार में 11 देख रखे हैं, तो संख्या तो बहुत ज्यादा है। ये एक बार में देखने की मैं जानकारी दे रही हूँ आपको, सुनने में तो ऐसा भी आया है कि कई लोगों ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में है यहाँ पर ऊपर जितने आते हैं वो और देखने के लिए जितने अवेलेबल होते हैं लगभग 15 फीट तक के हैं, 15 से 16 फीट लगभग के हैं। क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर का जो एरिया है जिसमें ये हॉलोनेस है चट्टानों में जिनमें पाए जाते हैं, और एग्जैक्टली मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा एग्जैक्टली एरिया क्या है। अजगर जो है आप सही कह रहे हैं शेड्यूल वन का प्राणी है, और उनके संरक्षण के लिए ही हमने एक प्रस्ताव यहाँ भेज रखा है MPEDB के लिए, ताकि हम
इस क्षेत्र को एक इको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप भी कर सके, प्लस साथ में उनका संरक्षण हो सके, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। विभाग प्रयासरत है, अभी यहाँ पर वन सुरक्षा समिति सदस्यों के साथ में मिलकर सुरक्षा कार्य, संरक्षण का कार्य किया जाए।